तो फ्रेंड्स, आपका खजाना में आपका स्वागत करते हैं। सर्दियां आ गई हैं, कच्ची हल्दी मार्केट में खूब आने लगी है। कच्ची हल्दी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, तो आज की रेसिपी कच्ची हल्दी को लेकर है। कच्ची हल्दी की ऐसी दो रेसिपी आज बनाने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल आप डेली करेंगे। इसके लिए मैंने कच्ची हल्दी ले लिया है, अदरक ले लिया है, नींबू, हरी मिर्च, इनको अच्छे से धो लिया है, एक कपड़े सूखे कपड़े से पोंछ लिया है। आइए रेसिपी देखते हैं। हरी मिर्च को काट लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये हरी मिर्च कट गई है। कच्ची हल्दी लेंगे, इसको क्रश कर लेंगे जिससे छिलके हट जाएं। अब इसको लंबे लंबे पतले पतले टुकड़ों में काट लेंगे। कच्ची हल्दी भी कट गई है, बस ऐसे पतले पतले लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेंगे। अदरक को भी क्रश करके पतले पतले लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेंगे। अदरक भी कट गया है। नींबू का रस निकाल लेंगे। ये रस निकल गया है। अब आइए अचार को बनाते हैं। ये डेली यूज वाले अचार हैं, इनको थोड़ा थोड़ा बनाइए, डेली यूज करिए, ख़त्म हो जाए तो दोबारा से बना लीजिए। आधी हल्दी, दो तरह का अचार बना रहे हैं तो आधी हल्दी लेंगे, आधी अदरक लेंगे, आधी हरी मिर्च एक जार में डाल लेंगे। नींबू का रस एक छन्नी में छान लेंगे जिससे बीज न जाए, और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार सेंधा नमक, सादा नमक भी डाल सकते हैं। कैमरे में फाल्ट आ गया था, शूट नहीं हो पाया, नमक मैंने डाला है। ढक्कन लगा के जार को अच्छे से हिला देंगे जिससे सभी चीजें मिक्स हो जाएं। ये अचार बनकर तैयार हो गया है। लंच और डिनर में इस अचार को सर्व करें, काफी टेस्टी लगता है, खाने का भी स्वाद बढ़ जाता है और सेहत भी मेंटेन रहती है। तो आइए दूसरी रेसिपी देखते हैं। दूसरे अचार के लिए बची हुई हल्दी, मिर्चा, अदरक को एक मिक्सर जार में डाल लेंगे। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और हल्का सा क्रश करेंगे, बस एक बार मोटा ही रखेंगे। थोड़े टुकड़े भी रह जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। ये भी अचार बहुत मस्त बनता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूर ट्राई करें। ऐसे मोटा मोटा रखेंगे, इसमें डालेंगे अचार का मसाला आधा चम्मच करीब, आधा चम्मच करीब पिसी हुई सरसों, दो से तीन चम्मच सरसों का तेल, सबको मिक्स कर लेंगे। ये तुरंत खाने वाले अचार बन जाते हैं,
बहुत झटपट से डेली यूज करें, काफ़ी टेस्टी लगता है। इसको भी डेली लंच और डिनर में सर्व करें। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रेसिपी आप लोग को कैसी लगती है। ऐसे इजी, टेस्टी और टाइम सेविंग रेसिपी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई इजी और टेस्टी रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।